हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अपने घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं वरुण किशोर, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट अमेजिंग प्रॉपर्टी से आपके लिए फिर एक प्लॉट लेकर आया हूं। लेकिन इस प्लॉट की जानकारी देने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको जो प्लॉट पर लेकर जा रहा हूँ, ये आप मान के चलिए कि 1 से 1.5 बीघे में प्लॉटिंग किया हुआ है। और जो भी लोग कम बजट में पटना में अपना मकान बनाना चाहते हैं, वो उनके लिए ये प्लॉट बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। लो बजट के जो भी लोग हैं, जो चाहते हैं, जो ये सोच रहे हैं 40-45 के बीच में प्लॉट हमको मिल जाए, वो उनके लिए बहुत ही अच्छा प्लॉट ये होने वाला है। फ्रंट की भी मैं बात करूँ तो फ्रंट भी आपको इसमें 40 से 45 फीट का फ्रंट आपको मिल जाएगा। रास्ता 12 फीट का इसमें से निकाल कर मिलेगा। लोकेशन की मैं बात करूं तो दानापुर स्टेशन के पास जो सरारी गुमटी है, सरारी गुमटी से मात्र 100 मीटर और आप आगे बिहटा की तरफ बढ़ेंगे तो ये आपको एक मगध TMT बाढ़, यानी ये छड़ सीमेंट का दुकान है मगध, उसी के पीछे एक अपार्टमेंट भी है ये वाला देख रहे हैं आप। इसी के ठीक बगल से ये जो रास्ता अंदर 12 फीट का गया हुआ है, इसी में ये प्लॉट आपको पड़ने वाला है। यहाँ से मैं थोड़ा कैमरा घुमाकर दिखा भी दे रहा हूँ, सामने सरारी गुमटी के सामने वाला जो गोडा ये रेलवे स्टेशन है, यहाँ से आपको ये प्लेटफॉर्म भी आपको दिखेगा। देखिए जो ट्रक आपको सामने जो दिख रहा है, ये वही आपका स्टेशन के पास में ही है ट्रक, जहाँ पे कि कंटेनर से सीमेंट उतरता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इस प्लॉट पर लेकर चल रहा हूँ। यही आपको यहाँ से मेन हाईवे से 100 मीटर अंदर ये प्लॉट आपका पड़ने वाला है। अच्छा लोकेलिटी है और नया एरिया डेवलप हो रहा है, यहाँ पे प्लॉटिंग करके भी दिया जा रहा है। तो जो भी कस्टमर चाहते हैं पटना में अपना मकान बनाना, कम बजट का प्लॉट आपको मिलने वाला है। फ्रंट आपको इसमें से 40 से 45 फीट प्रति कट्ठा आपको इसमें मिल जाएगा। 12 फीट का रास्ता इसमें निकाला गया है। रास्ता भी अभी तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन रास्ता इसमें आपको भर के दिया जाएगा। 12 फीट का जो भी रास्ता है वो आपको पूरा मिट्टी इसमें डलवा दिया जाएगा ताकि आपको आने जाने में भी सुविधा रहे। देखिए अभी नया मकान भी यहाँ पे अभी बना है, 2-3 मकान इसमें बने हुए हैं। अच्छे लोग सब यहाँ पे बना के भी रह रहे हैं। एक मकान अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, G+2 अभी बना है इसमें। ये देखो जो देख रहे हैं रास्ते, ये भाई पूरा 12 फीट का रास्ता, ये पिलर टू पिलर। ये देखिए हम लोग यहाँ से अब प्लॉट पर, ये जो रास्ता भी हम लोग चल रहे हैं, ये आपका 12 फीट का रास्ता मिलने वाला है, इसमें पूरा मिट्टी डलवा दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग एक प्लॉट पर चले आए हैं, यहाँ से 2 प्लॉटिंग किया गया है। ये जो सामने देख रहे हैं, ये जो अभी मिट्टी जिसमें भी जुताई किया हुआ है, यहाँ से लेकर ये जो पीछे ताड़ का पेड़ जो देख रहे हैं आप, वहाँ तक ये पूरा प्लॉट है। ये वाला प्लॉट अगर देखिए यहाँ से सामने से लेंगे तो यहाँ से आपको कॉर्नर प्लॉट बन जाएगा, इसी में आपको 12 फीट रास्ता निकाल के दिया जाएगा। प्लॉट का जो फेसिंग होगा वो पूरब का फेस होगा, 40 से 45 फीट का फ्रंट आपको इसमें निकल जाएगा एक कट्ठे के अंदर। ठीक है, रेट भी आपको बहुत ही अच्छा रेट आपको मिलने वाला है इसमें, 40 से 45 के बीच में भी आपको रेट यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ ये एक प्लॉट सामने आपने देख लिया है, इसी में एक और प्लॉट हम लोग आगे बढ़ेंगे।
देख लीजिए, यही यही जो रास्ता हम चल रहे हैं यही आपका रास्ता हो जाएगा, 12 फीट का रास्ता भरवा दिया जाएगा। ठीक है, जो जैसे ये रास्ता पे चल रहे हैं बस यही रास्ता आप मान के चलिए कि आपका होने वाला है, 12 फीट का रास्ता प्लॉटिंग करके आपको मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये आ गए, थोड़ा सा ये मिट्टी ऊंचा इसमें डला हुआ है, इसी में आगे यहाँ से ये टी बन जाता है और इसी में आपका दाहिने और बाएं आपको प्लॉटिंग अभी होने वाला है। इसमें भी आपको 12 फीट का रास्ता इसमें निकाल के दिया जाएगा। ये जो पीछे गेहूं देख रहे हैं वहाँ तक ये दाहिने और बाएं प्लॉटिंग करके मिलेगा आपको, और प्लॉट का इसमें भी फेसिंग पूरब का होगा, और इसमें भी आपको जो फ्रंट मिलने वाला है एक कट्ठे के अंदर 40 फीट के आसपास में आपको फ्रंट मिल जाएगा। तो फ्रंट के लिए तो कोई इशू नहीं है, आप इसमें आधा कट्ठा भी लेना चाहते हैं, पौन कट्ठा लेना चाहते हैं, प्लॉट में आपको फेस आपको फ्रंट बहुत बढ़िया मिलने वाला है। यहाँ से मैं थोड़ा सा लोकेलिटी दिखा देता हूँ, सामने अपार्टमेंट बहुत ही अच्छा अभी लोकेशन यहाँ पर बनने वाला है। सामने हाईवे जो है जो आपका दानापुर शिवाला और बीटा की तरफ जो जाने वाला जो रोड है यहीं सामने आपको रोड पे हाईवे है। यहाँ से शिवाला का दूरी भी 3 किलोमीटर के आसपास में होगा, 2 से 3 किलोमीटर, और दानापुर स्टेशन तो बगल में ही है, पैदल भी आप यहाँ से दानापुर स्टेशन जा सकते हैं, 300 मीटर के आसपास में होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो आशा करता हूँ कि ये प्लॉट आपको पसंद आएगा। इस प्लॉट से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे दिए हुए नंबर 9576019570 पे कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं। मैं अपना नंबर स्क्रीन पर भी डिस्प्ले कर दूंगा ताकि आपको नंबर निकालने में भी सुविधा रहे। मेरे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल पर बने रहें, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।